आपके साथ हूँ मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। एक और 11 में मैं आपको दिखाएंगे कैसे मोदी की दूसरी पारी शुरू होने वाली है। 2 दिन बाद राजतिलक होना है, लेकिन मेहमानों से लेकर सभी तरह की कयासबाजी इस वक्त जारी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर जो अटकलें हो रही थी उस पर पहले ही अपने सांसदों को आगाह कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अटकलों का दौर शुरू है। तो आज 11 में हम आपको बताएंगे मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मेहमानों की लिस्ट के बारे में और कैसे 2014 के स्पेशल गेस्ट हो गए हैं आउट। लेकिन आगे बात और भी होगी, हम आपको दिखाएंगे कि जीत तो जबरदस्त है लेकिन बीजेपी के ही 303 सांसद एनडीए मिला दें तो नंबर 353 तक पहुंच जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार टीम मोदी कैसी होगी, आज हम आपको उन सभी चेहरों के बारे में बताएंगे। साथ ही बात होगी जयंती पर सावरकर विवाद की और कैसे जिन्ना से जुड़ गए हैं सावरकर। लेकिन शुरुआत करेंगे शतकाक्ष तक के साथ। चुनाव के बाद फिर शुरू हुई हिंदुत्व की सियासत, शशि थरूर का ट्वीट, राहुल और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर। वीर सावरकर की जयंती पर छिड़ा सियासी संग्राम, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सावरकर और जिन्ना की तुलना की, कहा सावरकर की राह पर चले जिन्ना। भूपेश बघेल बोले सावरकर ने दी थी टू नेशन थ्योरी जिसे जिन्ना ने आगे बढ़ाया। सावरकर की जयंती पर पीएम ने किया याद, लिखा देश को उनसे सीखने की जरूरत, जेटली शिवराज योगी ने भी दी श्रद्धांजलि। शिवसेना के मुखपृष्ठ सामना ने भी सावरकर पर कांग्रेस को घेरा था, बोले राहुल को सावरकर की निंदा करना पड़ा महंगा। झारखंड के सरायकेला में बड़ा नक्सली हमला, आईईडी धमाके से उड़ाई गाड़ी। नक्सली हमले में 15 जवान जख्मी, घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से लाया गया रांची। सूत्रों के मुताबिक माओवादी प्रमुख केशव राव इस इलाके में सक्रिय, चुनाव के दूसरे दिन भी हुआ था हमला। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की नई साजिश, रिटायर्ड पुलिस और सेना के अधिकारी निशाने पर। पंजाब में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रच रहा है आईएसआई, पठानकोट शहर और कैंट स्टेशन को उड़ाने की धमकी। यूपी में नहीं थम रहा जहरीली शराब से मौत का सिलसिला, बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 10 की मौत, अस्पताल में लग गया मरीजों का तांता, गांव में पसरा मातम। सीएम योगी ने जताई संवेदना, सख्त कार्रवाई के निर्देश। बिल्डिंग से निकाले जाने पर महिला का हंगामा, बिल्डिंग की छत पर चढ़कर कूदने की दी धमकी। सहकर्मियों के काफी समझाने के बाद मानी महिला, बिल्डिंग के नीचे लगी भारी भीड़, 2 दिन पुराना वीडियो हुआ वायरल। फरीदाबाद में पुलिस की मनमानी के वीडियो पर बढ़ा बवाल, थाने में महिला की बेल से पिटाई। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई शुरू, दर्ज किया गया केस। एसीपी बल्लभगढ़ ने पुलिसकर्मियों की पहचान की, 2 हेड कांस्टेबल सस्पेंड, 3 एसपीओ को किया बर्खास्त। पिछले साल अक्टूबर का बताया जा रहा वीडियो, पीड़ित की अभी तक नहीं हो सकी है पहचान। घटना को लेकर हरियाणा महिला आयोग सक्रिय, कड़ी कार्रवाई की अपील। तीस मई से शुरू होगी मोदी सरकार की दूसरी पारी, शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण के लिए मोदी ने इस बार पाकिस्तान को नहीं दिया न्योता, दूसरे पड़ोसी देश होंगे शामिल। पीएम मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फोन पर दी थी बधाई, मोदी ने इमरान को आतंकवाद पर शिकंजा कसने की दी थी नसीहत। अफगानिस्तान और मालदीव को भी पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह का नहीं दिया न्योता, लेकिन पहली विदेश यात्रा पर मालदीव जाएंगे पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी शुरू, बिम्सटेक देशों के नेता होंगे शामिल। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के प्रमुख मोदी के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बांग्लादेश को भी पीएम मोदी ने दिया शपथ ग्रहण का न्योता, लेकिन व्यस्तता के चलते पीएम शेख हसीना नहीं करेंगी शिरकत, भेजेंगे अपना प्रतिनिधि। पीएम मोदी की दूसरी पारी शुरू होने से पहले सूरत में अनोखा सेलिब्रेशन, मोदी के चेहरे वाली कुल्फी की बड़ी मांग। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगेगा एक और झटका, मुकुल रॉय के बेटे समेत 3 विधायक बीजेपी में होंगे शामिल। रामदेव ने दी नसीहत, 2 बच्चों के अधिक होने पर छीन लिया जाए मताधिकार का हक, चुनाव लड़ने पर भी हो प्रतिबंध। राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, सूत्रों के मुताबिक अहमद पटेल और वेणुगोपाल ने राहुल से मिलकर की इस्तीफा वापस लेने की बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से करेंगे गुजारिश, राहुल को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाए सोनिया। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने पर नहीं माने राहुल गांधी तो मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत या फिर किसी अन्य नाम पर विचार संभव। सूत्रों के मुताबिक डेटा टीम की हेराफेरी से नाराज है राहुल, चौकीदार चोर है कैंपेन में गलत सूचना देने का आरोप। लालू यादव ने राहुल गांधी के इस्तीफे को बताया आत्मघाती, बोले विपक्षी पार्टी एकजुट होने में रही नाकाम।
मध्य प्रदेश में सरकार को समर्थन दे रही बीएसपी विधायक का आरोप, कहा बीजेपी ने दिया पैसे और मंत्री पद का लालच। कांग्रेस छोड़ने के बाद अल्पेश ठाकुर और डिप्टी सीएम नितिन पटेल की मुलाकात, बीजेपी में शामिल होने के आसार। सिक्किम में खत्म हुआ पवन चामलिंग का 24 साल का शासन, प्रेम सिंह गोले बने नए मुख्यमंत्री। 5 सितारा होटल्स में नहीं ठहरेंगे नए नवेले सांसद, सरकारी गेस्ट हाउस में किया जाएगा इंतजाम। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने हार की समीक्षा के लिए बनाई 5 सदस्यों की कमेटी, 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। राजस्थान में करारी हार के बाद मंत्री उदय लाल अंजाना ने सीएम अशोक गहलोत पर उठाए सवाल, कहा बेटे को चुनाव न लड़ाते तो अलग होते हालात। राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने भी अशोक गहलोत पर उठाए सवाल, कहा कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने का नतीजा। राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा का बयान, कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मनिरीक्षण का समय। हार से दुखी रमेश चंद्र मीणा ने कांग्रेस आलाकमान तक को दी नसीहत, कांग्रेस हाईकमान को लोकसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी का आरोप, भाई भतीजावाद के चलते हारी कांग्रेस, बोले देखना होगा आगे राजस्थान की राजनीति क्या करवट लेती है। अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस को अभी 2 आरोपियों की तलाश। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से लोकसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक। हापुड़ लिंचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, पिछले साल 18 जून को हुई वारदात में पिटाई से एक शख्स की हुई थी मौत। शारदा घोटाले में सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए आईपीएस राजीव कुमार, 3 दिन की मांगी मोहलत। ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला, आईसीयू में भर्ती है युवक। हाजीपुर में हत्या छोड़ा लुटेरा, लोगों ने जमकर की पिटाई, बुलेरो सवार शख्स ने 2 लाख कैश लूटने की कोशिश की। लखनऊ में हजरत अली की शहादत के जुलूस में सांड के घुसने से मची अफरा तफरी, 12 से ज्यादा लोग घायल। जुलूस के बीच घुसे सांड ने कई लोगों को पटका, कुछ लोगों को आई गंभीर चोटें। बुलंदशहर में क्रिकेट मैच के दौरान विवाद में 2 गुटों में फायरिंग और पथराव, एक इनामी बदमाश समेत 4 गिरफ्तार। संगरूर में 4 साल की मासूम से रेप पर लोगों का गुस्सा फूटा, स्कूल मैनेजमेंट के सभी लोगों की गिरफ्तारी की उठी मांग। कट्टी में तेंदू पत्ता लदा ट्रक जलकर हुआ राख, हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से लगी था। गुरुग्राम में चलती बाइक में अचानक लगी आग, लोगों ने आवाज देकर युवक को रोका, पानी डालकर आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एमयू में एमबीए प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक मामले में 4 छात्र को किया गया गिरफ्तार। उन्नाव में सड़क हादसे की शिकार हुई एसटीएफ की टीम, ड्राइवर की हुई मौत, कई लोग घायल। दुमका पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा, 90 किलो गांजा बरामद। मंदसौर में हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर, 14 लोग घायल। सीतामढ़ी में खाना बनाते वक्त आग लगने से फटा सिलेंडर, 4 घरों में लगी आग, लाखों का नुकसान। मुरादाबाद में चलती कार में लगी आग, गाड़ी रोक कर ड्राइवर हुआ फरार। उत्तराखंड के पौड़ी में तेंदुए की दहशत, हमला कर 10 साल की लड़की को मार डाला। लड़की को बचाने के लिए तेंदुए पर टूट पड़ी कुछ महिलाएं, तेंदुए के हमले से 2 महिलाएं गंभीर रूप से हुई घायल, अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते वक्त लगी आग, 100 से ज्यादा घर जले। रुद्रप्रयाग में जंगल में लगी आग, मंदिर के करीब पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे ग्रामीण। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में पीएससी कैंप में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के जालौन में प्याज से भरा ट्रक जला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बिहार के खगड़िया में खेत में लगी आग, 10 एकड़ में मक्का की फसल जली। बांदा में खनन माफिया पर कसा शिकंजा, 100 ट्रक सीज। इंदौर में लकड़ी के बाजार में लगी आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर 15 दमकल गाड़ियों से काबू पाने की कोशिश। जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 10 की मौत, 6 घायल, 2 स्कॉर्पियो की आमने सामने से टक्कर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक सरकारी स्कूल में लगा एडमिशन क्लोजर का बोर्ड, स्कूल में नहीं होती एक भी छुट्टी, साल में 365 दिन लगातार रहता है स्कूल जारी। अलीगढ़ में बुजुर्ग महिला को घर में बंधक बनाकर लूटपाट, लुटेरों में एक महिला भी शामिल। केरल के कोल्लम में बेटे की शादी में गाना गाते वक्त सब इंस्पेक्टर पिता की मौत, स्टेज पर गाते गाते अचानक गिरे। धनबाद पेट्रोल पंप कर्मी से लूट, रुपयों से भरा बैग ले उड़े बदमाश। दिल्ली में एनजीटी के आदेश पर जनकपुरी में बना सफाई का पहला मॉडल वार्ड, 2 महीने में बनकर हुआ तैयार। एमसीडी ने वेस्ट मटेरियल से तैयार सामान की लगाई प्रदर्शनी, बच्चों ने बनाए थे सभी सामान। तिरानवे पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं का दल पहुंचा पुरी, जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। भारत बांग्लादेश के बीच बस सेवा, फुलवारी पहुंची पहली बस। बेंगलुरु में आर्किटेक्चर के छात्रों ने दिखाई क्रिएटिविटी, फेंकी गई बोतलों से तैयार किया खूबसूरत गुलदस्ता।
वडोदरा में INIFD छात्रों ने बनाए परिधानों का फैशन शो, मॉडल्स ने रैंप पर किया कैटवॉक। फैशन शो में INIFD के 22 छात्रों के परिधानों का हुआ प्रदर्शन, फैशन शो को स्पेक्ट्रम 2019 दिया गया नाम। अभिनेता अजय देवगन के पिता और चर्चित स्टंट डायरेक्टर वीरू देवगन का निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। वीरू देवगन के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन समेत जुटी बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां। अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, तुषार कपूर, सुनील शेट्टी, रजा मुराद वीरू देवगन के अंतिम विदाई में पहुंचे। वर्ल्ड कप पर बन रही फिल्म 83 लंदन रवाना हुई थी। फिल्म 83 में रणवीर सिंह निभा रहे हैं कपिल देव का किरदार, लंदन में होगी फिल्म की शूटिंग। पहले प्रैक्टिस मैच में करारी हार के बाद आज बांग्लादेश का सामना करेगी टीम इंडिया, वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों को परखने का आखिरी मौका। इंग्लैंड के सामने सिर्फ 160 रन पर सिमटा अफगानिस्तान, टॉप और मिडिल ऑर्डर फेल, जेसन रॉय के अर्धशतक से 9 विकेट से जीता मेजबान। वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, 31 गेंद बाकी रहते हासिल किया 240 रन का लक्ष्य। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस का बड़ा दावा, 1992 की खिताब जीत दोहरा सकती है पाकिस्तान की टीम। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ग्लेन मैकग्रा ने इंग्लैंड को बताया वर्ल्ड कप का दावेदार, भारत और ऑस्ट्रेलिया पर भी लगाया दांव। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।